बॉलीवुड में बिकिनी पहनना अब आम सी बात हो गई है। प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोन, दीपिका पादुकोण जैसी हीरोइनों को बेस्ट बिकिनी गर्ल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय कर नूतन ने ये साबित कर दिया कि वो काफी बोल्ड हैं। साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली का ठग में पहली बार स्विम सूट पहनकर नूतन ने उस समय के दर्शकों को चौंका दिया था। फिल्म बारिश में नूतन काफी बोल्ड दृश्य देने से भी नहीं झिझकी। इसके बाद इस प्रथा को मुनमुन सेन, नूतन, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान, परवीन बाबी, मुमताज और नीतू सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने आगे बढ़ाया। सेंसर बोर्ड ने कई फिल्मों पर जमकर कैंची चलाई है। आजकल सेंसर बोर्ड कई बार सवालों के कटघरे में आ जाता है। सेंसर बोर्ड ने कई नामी फिल्मों के सीन इसलिए कट किए क्योंकि सेंसर बोर्ड का मानना था कि ये सीन्स बेहद ही बोल्ड हैं। आज हम आपको ऐसी ही फिल्मों से रूबरू करवा रहे हैं जिन पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची। विद्या बालन की बोल्ड फिल्म डर्टी पिक्चर को सेंसर बोर्ड के कई कट का सामना करना पड़ा था। फिल्म हिट स्टोरी 2 में सुरवीन चावला और जय भानुशाली ने कई सारे किस और बेड सीन्स दिए थे लेकिन उन पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चली थी। हिमेश रेशमिया की फिल्म एक्सपोज के एक सीन को धुंधला करके दिखाया गया था। इस सीन में सोनाली राउत ने बेहद ही उत्तेजक साड़ी पहनी थी। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से आलिया भट्ट और वरुण धवन के किस सीन को सेंसर बोर्ड ने छोटा कर दिया था क्योंकि सेंसर बोर्ड को इनका किस सीन बेहद लंबा लगा था। 2012 में हेट स्टोरी रिलीज हुई थी। फिल्म में पाउली डैम ने अपने बोल्ड सीन से खूब सुर्खियां बटोरी थी। बावजूद इसके सेंसर बोर्ड को फिल्म के कुछ सीन्स बेहद बोल्ड लगे थे। फिल्म एक विलन के साथ बोल्ड सीन्स को सेंसर बोर्ड ने काट दिया था। ये सीन श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच फिल्माए गए थे। फिल्म फाइंडिंग फैनी का डायलॉग आई एम वर्जिन से भी सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। इस डायलॉग को दीपिका ने फिल्म में बोला था। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, आजकल हसीनाएं इंटीमेट सीन्स से परहेज नहीं करती। आजकल इंटीमेट सीन्स फिल्म की जरूरत बनते जा रहे हैं। फिल्मों को चलाने के लिए दर्शकों को इंटीमेट सीन्स दिखाने में परहेज नहीं किया जाता। आज हम ऐसे ही सीन्स की बात करने जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जब हसीनाओं ने एक दूसरे को किस किया। जानिए किन फिल्मों में ऐसा हुआ। हॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जब हसीनाओं ने इंटीमेट सीन्स दिए। 2012 में हिट स्टोरी रिलीज हुई थी। फिल्म में पाउली डैम ने अपने बोल्ड सीन से सुर्खियां बटोरी। शर्लिन चोपड़ा कामासूत्र 3D से फिल्मों में एंट्री कर रही हैं। रूपेश पॉल के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में शर्लिन ने बेहद ही बोल्ड सीन्स दिए हैं। करीना कपूर के इंटीमेट सीन्स भी फिल्मों में दिखाए गए। फिल्म हिट स्टोरी 2 में सुरवीन चावला और जय भानुशाली ने कई सारे किस और बेड सीन्स दिए थे। फिल्म का गाना आज फिर तुम पर प्यार आया है बेहद बोल्ड था। फिल्म में सुरवीन के हॉट अंदाज ने मानो सबको दीवाना कर दिया था। पूनम पांडे ने फिल्म नशा में बेहद बोल्ड सीन दिए, बावजूद इसके फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। जिस्म 2 के जरिए पोर्न स्टार सनी लियोन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया तो फिल्म बीए पास में शिल्पा का हॉट अंदाज भला कौन भूल सकता है। 50 Shades of Grey में भी बेहद इंटीमेट सीन्स दिखाए गए। इसी तरह अपकमिंग फिल्मों में भी सनी ने बेहद कामुक सीन दिए हैं जो कि ट्रेलर में देखे जा सकते हैं। फिल्म जिद में भी करणवीर मनारा और करणवीर श्रद्धा के बीच कुछ हॉट इंटीमेट सीन्स हैं। एक्ट्रेसेस रोजाना किसी न किसी पार्टी या इवेंट में जाती हैं। इन पार्टीज में वे ब्यूटीफुल ड्रेसेस, शानदार मेकअप और हाई हील्स पहन शिरकत करती हैं। हालांकि कभी कभी हाई हील्स या लॉन्ग ड्रेसेस उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं, जिसकी वजह से वे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स का शिकार हो जाती हैं। आमतौर पर गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है, लेकिन अगर ये लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने सेलिब्रिटीज के साथ घट जाए तो काफी असहज कर देने वाले मोमेंट्स बन जाते हैं। कभी रैंप वॉक करते हुए तो कभी डांस स्टेज पर, कभी सीढ़ियों पर तो कभी रेड कार्पेट पर, ये एक्ट्रेसेस किसी न किसी वजह से संतुलन बिगड़ने की वजह से गिर जाती हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो कि पंजाबी हैं और इंडस्ट्री में उनकी अदाओं ने तो सबको मार ही डाला है, साथ ही लोग भी इन पर फिदा हैं। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हॉट अंदाज से दर्शकों के दिलों में बनाई खास जगह। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नीरू बाजवा का। नीरू बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वे निर्माताओं की पहली पसंद हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम किया है। साल 2004 में नीरू ने हरभजन
मान के साथ फिल्म असानु मान वतनादा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सुरवीन चावला सबसे सफल पंजाबी एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म हेट स्टोरी 2 में अपनी हॉट अदाओं से आग लगा दी थी। इस फिल्म में सुरवीन ने कई इंटीमेट सीन्स भी दिए। साल 1999 में गुलपनाग ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। उन्होंने 2003 में फिल्म धूप से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। गुल की आखिरी फिल्म 2014 में आई अब तक 56 थी। माही गिल अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी में अपने बेहतरीन किरदार पारो से फेमस हुई थी। इस फिल्म में माही ने अपने को स्टार अभय देओल के साथ हॉट सीन्स दिए थे। इसके अलावा फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर में माधवी देवी के किरदार को भी काफी सराहना मिली। धृति सहारा एक पंजाबी फिल्म अभिनेत्री और गायक हैं। वे कोलकाता में पैदा हुई और उनकी परवरिश मुंबई में हुई है। सहारा ने प्योर पंजाबी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। जब जी खेरा एक पंजाबी फिल्म अभिनेत्री है, वे पंजाब में पैदा हुई लेकिन उनकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई। जब जी ने फिल्म मिट्टी वाजा मार दी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सिमरन कौर मुंडी ने साल 2011 में फिल्म जो हम चाहे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी आने वाली फिल्म में किस किस को प्यार करूं शामिल हैं। इस फिल्म में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा लीड रोल में हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।